ये कहो खेला था ना एकदम कुकुर हो यान मोबाइल ये सुजाव सुजाव कहने किस तरह से व्रत मनाती है महिलाएं? महिलाएं ये भोर से ही दरगी खाने के बाद एक नीरा जलीय व्रत रहता है। इसमें संतान के लिए माताएं कुछ नहीं खाती। हाँ, नवमी के दिन इसका पारण करती है। तो यहाँ पे कैसे पूजन पाठन किया जाता है? यही गोट बना के। गोट में कितनी महिलाएं शामिल होती हैं? इसमें गिनती नहीं रहता, अनंत महिलाएं रहती हैं। मतलब एक साथ कई लोग पूजा जी, किस तरह से ये पूजा पाठ किया जाता है विधि विधान से? देखिए, पहले तो ये जितुवंदन महाराज का पूजा है और इसे मतलब सारी औरतें अपने औलाद के लिए करती हैं, अपने संतान के लंबी आयु के लिए करती हैं। और तो ये क्या किया जाता है कि एक दिन पहले से सरगी नहाए धोए करके सरगी खाया जाता है और सरगी करने के बाद वही व्रत रहते हैं, खरजूतिया इसको कहा जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है, निराजल। हाँ, निराजल, पानी भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं खाते। मतलब कितने घंटे निराजल आप लोग रहते हैं? 24 घंटा, जब तक इसका पारण नहीं बना हो। जब इसका पारण बनेगा तब खाते हम लोग। कल का पारण है 10:21 पे, तो हम लोग कल ही कुछ खाएंगे कुछ पियेंगे। तब तक हम लोग जल भी नहीं पियेंगे, न जल पी सकते हैं, न खाना खा सकते हैं। इसीलिए हम लोग यही व्रत करते हैं कि हमारे बच्चों की, हमारी पति की, सबकी लंबी आयु है। अच्छा, लंबी आयु के लिए व्रत जो है। हाँ। क्या नाम है आपका? सीमा जी। किस तरह से व्रत आप लोग रखती हैं इसमें? ये जुतिया का व्रत है और ये बच्चों के लिए, पुत्र के लिए रखा जाता है। एक दिन पहले 12 बजे से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और उसके लिए फिर क्या करते हैं, सब रात से ही व्रत का शुरू करते हैं। दूसरे दिन पूरे दिन निराजल व्रत रहते हैं और फिर सारा पूजा की तैयारी करके किसी मंदिर में, तालाब पे, नदी के किनारे सामूहिक रूप से इसकी पूजा होती है। फिर सारे घर पे जाते हैं, उसके बाद रात में भी व्रत रहता है, दूसरे दिन इस व्रत का पारण होता है। विधि विधान से करते हैं? विधि विधान से करते हैं, उसमें आपकी श्रद्धा भक्ति जितनी हो सकती है आप उतना करिए। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रेखा मिश्रा है। किस तरह से ये जो व्रत महिलाएं रखती हैं और कैसे मनाती हैं? देखिए, जीवित पुत्र का व्रत है और जिस स्थल पर आप खड़े हैं ये बड़ा प्राचीन स्थल है, बड़ा इसका धार्मिक महत्व है। तो अपने पुत्र के दीर्घायु जीवन, यशस्वी जीवन, उसके जीवन में उसकी आयु लंबी हो, उसका जीवन का भविष्य जो हो वो सुंदर हो, इसके लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। कई प्रकार के पुष्पों, कई प्रकार के फल से भगवान का पूजन करती हैं। एक गोठ बनाती हैं गोबर से और उस गोठ में महिलाएं बैठ करके दीप प्रज्वलित करके प्रभु को अपने पुत्र के दीर्घायु जीवन की कामना के लिए करती हैं। और ये मेला 2 बजे से लगभग लोग आ रहे हैं। बारिश बहुत तेज हुई, फिर भी लोगों की आस्था और विश्वास के साथ के सामने इंद्रदेव भी प्रसन्न मुद्रा में बारिश किए, लेकिन लोगों ने अपना पूजन विधिवत किया, भीगते हुए किया। तो ये सब परमात्मा इसमें देखते हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं इस व्रत में। अगर महिलाओं का व्रत है ना, महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घायु जीवन की कामना के लिए इस व्रत को दिन भर बड़े कठिन तरीके से रह करके, कुछ महिलाएं तो यहाँ तक निराजल व्रत रह करके और इस व्रत का उद्यापन करती हैं, पूजन करती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात, सुरक्षा की दृष्टिकोण से हमारा लाइन बाजार जो थाना है, हमारे वहाँ से आए हुए हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से संबंधित थाना मेरा बहुत ही सजग है और वहाँ से आई हुई है, व्यवस्था मेले की देख रही है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। ये बताइए, रेलिंग भी लगा हुआ है वहाँ पे, नदी तालाब भी है, तालाब के आसपास भी जो है? नहीं, हाँ, ये रेलिंग इतनी मजबूत है, जिस दुर्घटना में पूर्णतः सुरक्षा के दृष्टि, मैं स्वयं
इस मेले में चारों तरफ भ्रमण करते हुए देख रहा हूं किसी प्रकार की कोई बात, किसी को आए हुए लोगों को किसी प्रकार का कोई तकलीफ कष्ट ना हो, न किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत सामने परेशानी आए दिक्कत आए। मंत्री जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत अवधेश चंद्र भारद्वाज।